गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ शिवानी चनागल। टुडे विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 6। अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट है। उसके अंदर 7.3 आपकी कंटिन्यू चल रही है। जो लास्ट का जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए उसमें बहुत सारी थोड़ी टेक भी हुई। आज हम क्वेश्चन फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, वो वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए वो ढंग से आपके जो हाफ क्वेश्चन है वो वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। ओके, इसके लिए आज मैं फिर से वही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। नाउ ओपन योर पेज नंबर 147 एंड क्वेश्चन नंबर 3। रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको ये जो बॉक्स है उसके अंदर बताना है कि करेक्ट नंबर कौन सा आएगा। ओके, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ओके, क्या है ए में 2/7 8 और ये ऐसे कि इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, करेक्ट नंबर बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2/7 है उसमें हम सबसे पहले हमें ये पता, हमें ऊपर वाली डिजिट पता कि ऊपर 8 है, तो हमारे दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि मैं 2 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए। तो 2 4 जा, अगर मैंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे से भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 8 7 4 28, तो हमारा जो यहाँ नंबर आएगा उस बॉक्स के अंदर वो क्या आएगा, 8/28। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर बी है 5/8 = 10, फिर आपके फीस में ब्रैकेट है यानी आपको इधर करेक्ट नंबर बताना है। तो 5 को कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 हो जाए, तो 2 और नीचे भी 8 × 2, तो क्या होगा 10/16, यानी आपका करेक्ट नंबर इधर क्या आया, 16। हमें ये देखना, अगर ऊपर दिया तो ऊपर वाला देखो, नीचे दिया तो नीचे वाले में देखो। हमें पता है कि मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 होगा, अगर मैंने 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 2 को डिजिट से नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, फिर थर्ड करेक्ट नंबर आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट आप जब इसको मतलब क्या करोगे, कट करो, इसमें 8/28 है, तो अगर मैं 8 को 4 2 जा और 8 7 जा, देखो 2/7 = 2/7 यानी ये करेक्ट नंबर हो गया आपका। फिर देखो 5 2 5 जा 2 5 जा और 2 8 जा, 5/8 = 5/8 आ रही है ना। अब नेक्स्ट देखो 3/5 फिर ब्रैकेट अपॉन 20। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर मैं 5 को कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी, 20 आ जाए, तो मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 12/20। फिर नेक्स्ट डी में 45/60 = 15/ में आपको बताना है, तो 45, अब देखो 60 है ना, पहले 45/60 को जो 3 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर तो शॉर्टेस्ट टर्म ही थी, पर 45/60 की हमें शॉर्टेस्ट टर्म पहले बनानी पड़ेगी। कैसे, जैसे हम 5 की टेबल से इसको कट करो तो 5 9 जा, ओके, और 5 को इससे कट करोगे तो 12 जा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से कट कर सकते हैं हम 3 की टेबल से इसको, 3 और ये 4 = 15, तो ब्रेकेट 3/4। अब 3 को मैं कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी, 15 आता, तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तभी 15 आता, तो मुझे 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन 18/24 = 4। तो 18/24 है ना, तो पहले तो 18 का कट कर लो, उसके शॉर्टेस्ट टर्म बता दो, 2 की टेबल से ये 9 टाइम्स कट हो रहा है, 2 की टेबल से ये 12 टाइम कट हो रहा है, हो रहा है ना, 2 9 जा, ओके, फिर 2 12 जा होता ही है। अब इसको फिर से कट करोगे आप 3 की टेबल से, 3/4 आएगा, और फिर आपका ब्रैकेट है 4 है,
ओके अब मुझे बताओ मैं फोर थ्री को कौन से डिजिट से, फोर को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर सब वही फोर आएगा। तो मैं वन से ही करूँगी तो आपका क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर। समझ में आया कैसे किया मैंने? ओके ठीक है, अब जो अपना क्वेश्चन नंबर फोर तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर फोर तो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फाइव कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। 36/48 आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सबसे पहला फर्स्ट काम, अगर जो शॉर्टेस्ट टर्म बन रही है इसकी लोवेस्ट टर्म बनाएंगे, इसकी लोवेस्ट टर्म क्या होगी, 90 टेबल से इसको 90 टेबल से कट करो तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर 12 की टेबल से कट करो तो 12 1 12 12 2 24 12 3 36 और उसको आप कट करो 12 4 48। अब आपकी जो फ्रैक्शन हो गई है वो इक्विवेलेंट 3/4 है। अब आपका फर्स्ट काम क्या है, इसके अंदर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना लाना है आपको, 9 लेके आना है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, जो फ्रैक्शन लिखो सबसे पहले न्यूमरेटर ऊपर होता है, यानी मैं कौन सी डिजिट से 3 को मल्टीप्लाई करूँ कि उसका न्यूमरेटर 9 हो जाए। तो 3 से ही करूँगी, अगर मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9 4 3 12। ओके नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर, डेनोमिनेटर इक्वल टू 4। ओके तो क्या है आपकी फ्रैक्शन तो 3/4 ही है। अब मैं डिनोमिनेटर में 4 लेके आऊँ तो मैं 4 को कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि अपना जो है डिनोमिनेटर 4 बन जाए। तो मैं क्या करूँगी, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 3/4। ईजी है ये तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको बताना है कि जो फ्रैक्शन से वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। ओके तो कैसे करना है आपको, इसमें जैसे 5/9 है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखना, जैसे 5/9 और 30/54। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं ये आपको बताना। इक्विवेलेंट का मतलब कि दोनों जो फ्रैक्शन वो इक्वल होनी चाहिए। अब इधर तो 5/9 है, अगर मैं इसको कट करती हूँ 6 की टेबल से कट करूँ तो 6 5 30 होता है और 6 9 54 होता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके इसको मैंने कट के दोनों इक्वली आ रही है, ये जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट बी में चेक करो, जैसे 3/10 और 12/50। अब मुझे ये बताओ कि 3/10 भी देखो शॉर्टेस्ट लोवेस्ट टर्म है, 12/50 भी, 12/50 को आप कट कर सकते हो, जैसे 3/10 तो ऐसा, और 12 को जब मैं कट करूँगी तो 6 टाइम कट होगा, 2 6 जा और इसको मैं करूँगी तो 25, तो कितना आया 6/25। अब ये नहीं कट होगा ये, ठीक है, क्योंकि ओके ये दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, सेम टेबल में तो आते ही नहीं है, जिसके दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नॉट इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट 7/13 और 5/11। देखो 7/13 और 5/11 दोनों लोवेस्ट टर्म है, दोनों ही सेम टेबल में, दोनों की देखो लोवेस्ट टर्म ही है तो कटेशन होगी नहीं, तो देखो दोनों इक्वल भी नहीं है तो इधर भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ आई थिंक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर नहीं हुआ है तो भी वो आप कर लो ना कि 48/60 तो आपको दोनों को एक ही टेबल से कट करना है। 48 तो 48 कौन से टेबल में आता है, 48 और 60 दोनों तो 12 की टेबल में आता है, 12 4 होता है और कितना होता है 12 5। ओके फिर इसमें भी देखो 150/60 है तो इसको पहले तो 0 से 0 कट कर दो। ओके और फिर 3 की टेबल से इसको बना दो, 3 5 और 3 2 तो इधर आ जाएगा 5/2। फिर 84/98 है तो कौन से टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है ना 12 7 84 12। आप खुद सॉल्व करोगे ये को, ये इसमें क्या करना है, सेम ही टेबल्स आपको कट करने का है। ओके तो ये आप कर लेना, ये जो बच्चे हैं अगर हो गया हो तो अच्छी बात है, अगर मुझे याद नहीं है कि मेरे क्वेश्चन में सेवन हुआ कि नहीं, आप वीडियो में अगर हो गया है तो कर लेना, नहीं हुआ तो ये आप खुद सॉल्व करोगे। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू, रमेश के पास में 20 पेंसिल्स है, सीलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास में 80 पेंसिल्स है. ओके, तो आफ्टर फोर मंथ्स रमेश कितनी पेंसिल यूज़ करता है, 20 पेंसिल में से 10 पेंसिल यूज़ कर लेता है और सीलू 25 पेंसिल यूज़ कर लेती है और जमाल 40 पेंसिल यूज़ कर लेती है. तो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, तो उसकी फ्रैक्शन बतानी है. तो चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर या हिज, हमें ये चेक करना है कि तुमने क्या इक्वल पेंसिल यूज की है कि नहीं है. कुछ नहीं है, उसकी फ्रैक्शन बतानी है सबसे पहले तो आपको. तो क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, सबसे पहले रमेश, तो रमेश के पास में कितनी पेंसिल है, टोटल पेंसिल कितनी है उसके पास, 20, और उसमें से यूज़ कितनी की है उसने, 10. ओके, तो पहले इसके शॉर्टेस्ट टर्म बताओ कि 10 वन जा और 10 टू जा, तो क्या है 1/2. फिर उसके बाद में कौन है, सीलू, तो सीलू ने कितनी यूज़ की है पेंसिल, पहले टोटल पेंसिल तो आएगी नीचे 50, उसके बाद में उसने कितनी यूज़ की है 25, तो क्या आ गया 25 1 जा 25 और 25 2 जा 52, इसका भी कितना आया 1/2. फिर नेक्स्ट कितना आया आपके पास में, जमाल, जमाल के पास में कितना है 80, तो उसने 80 तो उसकी टोटल है. ओके, और उसमें से उसने 40 पेंसिल यूज़ की है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2. देखो, लुक इट हियर, 1/2 1/2 1/2, इसके अंदर क्या बोले, अब हमने ये तो फ्रैक्शन तो बता दी, ये फ्रैक्शन ही है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर या हिज पेंसिल, यानी तीनों की जो उन्होंने पेंसिल यूज़ किया वो इक्वल की, मतलब इक्वल में यूज़ किया, यस, तो क्या जाएगा आंसर, यस. ओके, तो क्या लिखोगे, इक्वल, यस, इक्वल फ्रैक्शन. ओके, ठीक है, हो गया ये आपका. अब एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7 पॉइंट, तो क्वेश्चन 8 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच. आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है इसके अंदर और उसमें 2 से ज़्यादा लिखना है. अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैच करनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करनी है, ठीक है. तो देखो 250 और ये 400 है, तो पहले तो क्या करोगे आप, इसको 0 से 0 कट कर दो. अब क्या बचा, 25/40, तो 5 की टेबल से कट कर लो, 5 5 जा 5 8 जा. अब देखो इसमें ए बी सी के अंदर 5/8 आ रहा है क्या, इधर इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, यस, तो क्या आएगा, फर्स्ट के अंदर क्या आ गया आपका, फर्स्ट में डी, यानी फर्स्ट को आप डी से मैच करोगे. ओके, नेक्स्ट सेकेंड में देखो 0 से 0 तो कट हो गया, अब 2 की टेबल से इसको कट करोगे, 2 9 जा और 2 10 जा, क्या आया 9/10, तो यानी किससे 9/10 किस में आ रहा है, ए बी सी में नहीं आ रहा, डी ई में आ रहा है. ओके, तो सेकेंड किससे मैच हो रहा है, ई से मैच हो रहा है. फिर थर्ड के अंदर देखो 0 से 0 कट कर दिया. ओके, फिर हमने इसको कट, इसको किया 3 3 2 2, और ये हो गया 3 3, यानी 22/3, यही आ रहा है 22/3. फिर भी देखो 22/3 और टेबल से कट हो जाएगा 11 की टेबल से, 11 2 जा 11 3 जा, 2/3 ए बी सी, ए बी ए में आ रहा है, तो थर्ड में क्या मैच होगा आपका, ए. ओके, फिर नेक्स्ट 4 180/3/60, तो 180 देखो 0 से 0 कट गया, 18 1 जा 18 18 2 जा 36, यानी 1/2, यानी 4th में क्या आएगा, सी. फिर 5th में लास्ट में क्या बचा, देखो 0 से 0 कट हो गया, आप सो कट करोगे 11 2 जा 11 5 जा 2/5, यानी 4th में क्या आया बी, 5th में क्या आया बी. ओके, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई है. नेक्स्ट के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, उसमें टॉपिक होगा लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, तो ओके, ठीक है, आज जो मैंने जितना भी कराया है और जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 3 CDE जो मैंने होमवर्क दिया है, आई होप कि आप करोगे भी, और आज जो मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. आप प्लीज़ उस वीडियो को स्टार्ट से लगा कर एंड तक देखें, ऐसे नहीं कि बीच में स्टॉप कर दे और फिर नहीं देखने का, ऐसा मत करना. ओके, और आज जो मैंने वर्क करा अपने वो मैं आज की डेट डाल के और मैथ्स की वर्कबुक में, मैथ्स की नोटबुक के अंदर आप अपना कंप्लीट कर लेना. ओके, बाय, हैव अ गुड डे.